जय सीताराम। आज मैं आपको पूरे विज्ञान मतलब 7 पार्ट से लेके पूरे विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना है, जिससे आप इसकी तैयारी कर लेना। और हो सकता है सभी हिंदी की बता चुका हूँ, मैथ की भी होगा कंप्लीट है और इंग्लिश का भी कंप्लीट है। बचा सामाजिक विज्ञान, उसको कल मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद 11वीं की तैयारी चालू, 11वीं और 12वीं की। देखो पेज नंबर पार्ट 7 में सब ये परीक्षा बोझ से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप जरूर थोड़ा पढ़ना इनको। पेज नंबर 78 में है, जंतुओं तथा पौधों में वृद्धि की तुलना कीजिए 2024 की परीक्षा बोध में। परागण, क्वेश्चन नंबर 4 है, परागण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वहीं कायिक प्रवर्धन क्या है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, द्विखंडन और बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। फिर इसके बाद आप लगाना स्वपरागण को परिभाषित कीजिए, है ना, और गर्भ निरोधक की 2 युक्तियों के नाम लिखिए। इसके बाद पुष्प के मादा जनन अंग का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए और नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, अमीबा में द्विविखंडन की विधि द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, या द्विविखंडन की क्रिया अमीबा में वर्णन कीजिए, ऐसा भी हो सकता है। पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अलैंगिक प्रजनन लिखिए। फिर इसके बाद आप आ जाइए, मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, है ना। पुष्प का अलग है और मादा मतलब मानव वाला अलग है, ये आप ध्यान देना। निषेचन क्या है, पुष्पी पौधों में भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है ना। इसी में अथवा में क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि लैंगिक जनन में निषेचन की क्या भूमिका होती है, पुष्प के लैंगिक जनन को समझाइए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है कि वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, और है ना। फिर आगे एक क्वेश्चन है, मतलब समझ गए ना, वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। फिर एक क्वेश्चन है कि एक पुष्प की लंबवत कार्ड का नामांकित चित्र बनाइए। ये मान लीजिए कि 95% ये क्वेश्चन आपके पेपर में रखा हुआ है, एक पुष्प की लंबवत कार्ड का नामांकित चित्र। कुछ अगला क्वेश्चन है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। फिर इसके बाद आप पाठ 8 में चलिए, अनुवांशिकता पाठ में। अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। फिर अगला क्वेश्चन बन सकता है, यूकेरियोटिक गुणसूत्र का नामांकित चित्र बनाइए और 2 कार्य लिखिए, है ना। फिर इसके बाद मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना, मटर के पौधों को ही क्यों चुना, है ना। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है, जीन के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। हालांकि एक इसमें एक क्वेश्चन आप याद कर लेंगे तो मेंडल के 3 नियम आपको याद हो जाएंगे। मेंडल के अनुवांशिकता के नियम लिखिए तथा उनमें से किसी एक का उदाहरण संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मेंडल के अनुवांशिकता के 3 नियम हैं, अपव्यूहन नियम, प्रभाविता नियम और पृथक्करण का नियम। तो मेरे हिसाब से ये सब नियम छोड़ के आप दीर्घोत्तरी का प्रश्न क्रमांक इसमें परीक्षा बोध में 2 है, उसको पढ़ लेंगे तो 3ों नियम याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को समझाइए। फिर पाठ 9 में परावर्तन के नियम लिखिए, भेरी 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 जितने भेरी लगा सकते हो इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन के नियम लिखिए। फिर इसके बाद गोली दर्पण की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है, गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए। फिर क्वेश्चन बनेगा, लेंस की क्षमता क्या है। फिर क्वेश्चन बन सकता है, आवर्धन किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन बन सकता है, 2mm फोकस दूरी वाले अपदल लेंस की क्षमता लिखिए। फिर क्वेश्चन बन सकता है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक। फिर बन सकता है, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, और अब अपसारी, अभिसारी और अपसारी दोनों का आप पढ़ लेना। इसके बाद गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए, गोली दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र, ये 3ों की परिभाषा आप पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद परावर्तन को परिभाषित कीजिए, अभी नियम वही है, मतलब परिवर्तन और नियम किरण आरेख द्वारा दिखाना है, उसमें दिखा देना है आप। अवतल दर्पण के उपयोग,
ये काम खत्म। इसमें दो सवाल बन सकते हैं, आते हैं। उस लेंस की फोकस दूरी, मतलब कुल मिला के फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र आप पी बराबर वन अपान एफ के हिसाब से आप याद कर लेना, और गोली दर्पण की फोकस दूरी है ना, तो फोकस दूरी वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसका देख लेना। फिर आगे क्वेश्चन पाठ में चलते हैं, आगे वाले पाठ में। पाठ का नाम क्या है? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, है ना। इसमें स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तारों का टिमटिमाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है, ये रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, लेंसों के उपयोग लिखिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में को समझाना है चित्र सहित, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन आप समझते जाना। फिर इसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, 100% आप पढ़ लेना। एक क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, या इसी को इस तरह पूछ सकता है कि प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश किरण के विक्षेपण को चित्र द्वारा समझाइए तथा पर्दे पर प्राप्त होने वाले विभिन्न रंगों की किरणों की स्थिति प्रदर्शन बताइए, है ना। इसके बाद आप सीधे आ जाओ पाठ 11 में, विद्युत। तो विद्युत में आपको पढ़ना है विभव किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक। फिर इसके बाद विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, 1 वोल्ट विभव से क्या तात्पर्य है, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, ओम का नियम लिखिए। फिर इसके बाद बन सकता है विद्युत लेपन किसे कहते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से क्या समझते हैं। सब दो दो लाइन के आंसर है, बहुत ही मत जाइए कि इतने क्वेश्चन बताने हैं, सब दो दो लाइन के आंसर है, आप एक बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। एक भी बड़ा क्वेश्चन अभी मैंने इसमें नहीं बोला इस पाठ में। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये पढ़ लेना है। और ये चित्र वाला, ये चित्र बिल्कुल 100% ये चित्र आपका आना ही आना है, कोई एक चाहे बैटरी सेल का दे दे, चाहे जिसका दे दे, विद्युत सेल का दे दे, वोल्ट मीटर तार संधि, इसको आप ये चित्र जरूर देख लेना। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन आपका बनेगा विद्युत परिपथ से क्या समझते हैं, ये भी एक लाइन का अंतर है, वो क्वेश्चन है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग लिखिए, फ्यूज वायर किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। और एक क्वेश्चन है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन में आएगा दीर्घ उत्तरी में, ओम नियम की व्याख्या निम्न शीर्षकों के अंतर्गत सिद्धांत उपकरण का नामांकित चित्र प्रमुख सावधानियां, यह ऐसा दे सकता है कि प्रयोगशाला में ओम के नियम का सत्यापन, नियम विद्युत परिपथ का रेखा चित्र, प्रेक्षण तालिका सावधानी, ठीक है, इस तरह का आप कर लेना। फिर इसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, चुंबकीय विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, अगला पाठ में आ गए ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा क्या है ना, विद्युत फ्यूज क्या है इसके उपयोग, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, है ना, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, और गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है दिष्ट धारा जनित्र या डीसी विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इसके बाद है किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र से रेखाएं खींचिए, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और इसमें में अभी नामांकित चित्र बनाकर आरेख विद्युत मोटर के सिद्धांत तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि विद्युत मोटर का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए, परिभाषा, सिद्धांत, नामांकित चित्र, विद्युत मोटर के प्रमुख भाग। फिर हमारा पर्यावरण में पारितंत्र किसे कहते हैं, सर्वाहारी प्राणी किसे कहते हैं, ओजोन परत क्या है, क्यों क्षीण हो रही है, फिर पोषी स्तर क्या है, फिर खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर क्या है ना, अवशिष्ट किसे कहते हैं, अम्ल वर्षा क्या है और कैसे होती है। और इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन हो गया अम्ल वर्षा क्या है, और घटक के बारे में आप पढ़ लेना कि जैविक घटक और अजैविक घटक। अब मेरे हिसाब से जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो परीक्षा बोर्ड में आप डेट वाइज जितने डेट में ज्यादा आए हों
उनको आप पढ़ लेना तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।